मोदी आना चाहिए। क्यों? मामा जी ने भी अभी अच्छा काम किया हुआ है, लाडली बहना जो निकाला है और भी स्काई करके निकाली हुई स्कीम, बढ़िया है। उनको अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है। बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। क्यों लग रहा आपको बीजेपी सरकार? नहीं लग रहा, होनी की आएगी। लग रहा होनी की आएगी। अच्छा, क्या पहले से तो और ज्यादा बेटर हो गया है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई है जब से शिवराज सिंह इन्होंने संभाला है, हमारे सीएम ने, सबसे बहुत बढ़िया हो गया है। ही इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वो लाडली बहना योजना भी ऑल्सो आई एम इन बैंक, आई नो दैट कि वो डीबीटी वगैरह करने के लिए काफ़ी आते हैं, तो दे वर वेरी मतलब हैव एन अ बिलीफ इन शिवराज सिंह चौहान दैट की इज डूइंग वेरी वेल फॉर दैट वुमेंस की, मतलब वो कुछ आगे इंडिपेंडेंट हो, एंड ऑब्वियसली आई एम अ वुमन ऑल्सो, तो सेल्फ इंडिपेंडेंसी तो ऑब्वियसली मैटर करती है। अभी तो बीजेपी सरकार, फिर से मामा जी एक बार, क्या कारण है, क्यों फिर से मामा जी? वही, उनके काम अच्छे हैं, खूब काम किए हैं, अच्छे काम किए, बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ जी, इतने सालों से तो हैं, अभी भी हैं? अभी भी रहेंगे। क्या कारण है, क्यों? अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है। 75% तो बीजेपी का ही है। 75% हाँ, रोडों के मामले में, हाईवे के बारे में अच्छा हुआ है, जो 70 साल से कांग्रेस राज में नहीं हुआ, देश आजाद हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अपनी शिवराज सिंह चौहान सर की ही सरकार आएगी प्रोबेबली। जो कांग्रेस जो है वो कहती है और भाजपा करती है, करके दिखाती है। यहाँ पर तो बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का माहौल, मतलब कि मोस्टली जितने भी लोग कहते हैं कि यहाँ बीजेपी आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग वर्गों के लोगों से हम आपको बड़ा सर्वे दिखा रहे हैं कि जो आगामी 100 दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव यहां पर होने वाला है, लोग किसके साथ हैं, पिछली सरकारों को लेकर के लोगों का क्या कहना है और अभी उनके क्या मुद्दे हैं, आने वाले समय में जो चुनाव है उसको लेकर के उनकी क्या राय है। और अब हम आज पहुंचे हैं पर्यटक स्थल पर, बोट क्लब पर इस समय हम मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और इस वजह से बोट क्लब जो है वो यहाँ पर बंद था, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से जो है यहाँ पर आपको दिखेगा अपर लेक में जो है वो बोट फिर से चलना जो है वो शुरू हो गई है। बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ा था, इस वजह से जो है इसको कुछ दिनों के लिए टेम्पररीली बंद किया था, लेकिन अब दोबारा से चहल पहल जो है आपको यहाँ पर पर्यटकों की, मध्य प्रदेश के लोगों की नजर आएगी। आइए अब सीधे तौर पर लोगों से बात करते हैं, राय जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आप? भावना ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? भोपाल से। क्या लग रहा है आपको इस बार, किसकी सरकार आ रही है, किसके साथ आई? मोदी आना चाहिए। क्यों? मामा जी ने भी अभी अच्छा काम किया हुआ है, लाडली बहना जो निकाला है और भी स्काई करके निकाली हुई स्कीम, बढ़िया है। उनको अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है। सीखो कमाओ योजना युवाओं। राइट, अच्छी बात है अगर वो भी आएंगे तो। और हम लोग तो चाहते हैं जैसे ऊपर से अगर मोदी जी आएंगे तो हम तो बहुत खुश होंगे। 24 के लिए मोदी जी, यहाँ पर मामा जी। यस, बीजेपी आना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है, जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो उनको योजनाओं के बारे में भी पता है, केवल कागजों तक ही सीमित नहीं है, लोगों तक उसकी अवेयरनेस। इतना ज्यादा प्रचार किया गया है यहाँ पे, मामा जी ने बहुत प्रचार कर दिया है, तो आप जहाँ भी जाओगे, वीआईपी रोड हुआ, हबीबगंज हुआ, जहाँ देखोगे आप सब दूर आपको योजनाओं के बारे में बताया गया है। भूलना नहीं चाहिए, पब्लिक को ऐसा गिनवाया जा रहा है मामा जी ने क्या क्या किया है। अभी यहाँ से आप किसी को भी पूछोगे वो आपको बता देगा कि अच्छा मामा जी ने ये निकाला है, वो निकाला है। अभी उन्होंने 3,000 तक की बात की है, अभी 1250 दे रहे हैं आई थिंक, है ना। और रक्षाबंधन के दिन भी 250 रुपये अलग से डाले थे, वहाँ से स्टार्ट किया, पहले 1000 दे रहे थे, उसके बाद 1250 किया है। तो बढ़िया है, मामा जी प्रचार कर रहे हैं तो सबको पता चल रहा है। अच्छी बात यह है कि युवा भी अवेयर हैं और भी युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बहनों के लिए भी करें, हमें नहीं। किस चीज़ में नाम है आप? पूनम वर्मा। आप भी यहीं से रहने वाले, मध्य प्रदेश के? यस। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? टॉपिक है सरकार किसकी आ रही है? मोदी की भी चल रहा है। जी सर, क्या नाम है? विनोद कुमार द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के ही रहने वाले हैं। बोट क्लब बहुत दिनों से बंद था बारिश के चलते, अब खुला है तो चहल पहल दिख रही है दोबारा। सर क्या लग रहा है, 24 से पहले यहाँ का चुनाव है, देश जानना चाह रहा है किसके साथ है लोग? सब बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ जी, इतने सालों से तो हैं, अभी भी रहेंगे। क्या कारण है, क्यों? अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है। जैसे क्या काम पसंद आ रहे हैं? अरे बहुत सारे काम अच्छे लग रहे हैं उनके, और क्या, कुछ बता दीजिए दो चार। अब ठीक है, अब क्या बताएं, बताओ आप। मतलब पसंद है सरकार? हाँ सरकार पसंद है। प्रसाद साहू। कहाँ के रहने वाले? भोपाल के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर इस बार, क्या माहौल है यहाँ, किसकी सरकार आ रही है? सरकार के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते यार, चुनाव के बाद ही होगा ये कुछ निर्णय। एक आपकी राय कि हाँ ये आए तो बढ़िया रहेगा। 75% तो बीजेपी का ही है। 75% बीजेपी। हाँ क्या कारण है, क्यों 75% बीजेपी के? वो मोदी जी का कारण है, और कांग्रेस के भी हो सकता है, केंद्र से लोग आए उसके लिए। बस ये है कि मोदी जी सही डिसीजन ले लें, सही काम करें, जितने उचक रहे हैं वो सब। हो सकता है अभी राहुल गांधी,
भ्रष्टाचार बहुत है हिंदुस्तान में। हो सकता है अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी आएंगे मध्य प्रदेश में। अभी आ रहे हैं ना 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं ना। मोदी जी तो 25 को आ रहे हैं। अब उनका मालूम नहीं मेरे को अभी, क्योंकि उनकी एक रैली तो रद्द हो गई जो भोपाल में होने वाली थी विपक्ष की। रद्द हो रहा है जी। मैम क्या नाम है आपका? किरण साहू। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है मध्य प्रदेश? बता दीजिए कौन लग रहा है आपको आ जाएगा इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं चलिए चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? लीला साहू। आप भी यहीं मध्य प्रदेश के? हाँ। आपको क्या लग रहा है कौन आएगा किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार आएगी? क्यों लग रहा है आपको बीजेपी सरकार? नहीं लग रहा, उन्हीं की आएगी। लग रहा है उन्हीं की। अच्छा क्या कुछ कारण होंगे ना आपने बीजेपी का नाम लिया तो क्यों आएगी बीजेपी? क्यों पसंद है आपको बीजेपी? पसंद है कि वो मतलब अभी जो भोपाल में विकास हुआ है, मतलब रोडों के मामले में, हाईवे के बारे में अच्छा हुआ है, जो 70 साल से कांग्रेस राज में नहीं हुआ, देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इंदिरा जी और राजीव गांधी होते तो देश में कुछ होता, वो उसकी जगह कोई ले ही नहीं पा रहा है कांग्रेस में। अभी जो है कह रहे तो हैं कि उन्हीं के परिवार से हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी। नहीं तो वो टैलेंट वो नहीं है ना उन्होंने में, वो बात नहीं है ना जो मोदी जी कर रहे हैं वो उनमें बात टैलेंट नहीं है। कह रहे हम तो उसी परिवार से आ रहे हैं, हमारे परिवार ने बहुत बलिदान दिया इस देश। अब दिया है तो बलिदान को कोई भूल थोड़ी ना रहा है, बलिदान को हमेशा याद तो रख रहे हैं बच्चे। बलिदान तो और भी लाखों करोड़ों लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने दिए, शिवाजी ने दिए, महाराणा प्रताप ने दिए, हैं रानी लक्ष्मीबाई ने दिए, बहादुर शाह जफर ने दिए, हैं कम सभी ने दिए। कमलापति रानी तो बहुत पहले की हैं, कमलापति रानी तो बहुत पहले की है, अंग्रेजों के टाइम से बहुत पहले की हैं वो तो। मैंने अभी उनका जिक्र किया, कुछ दिन पहले तक यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का नाम होता था हबीबगंज जंक्शन, अब उनका नाम बदल दिया रानी कमलापति। और पहले से अभी जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एयरपोर्ट लग रहा है पूरा। आपको क्या लग रहा है? एयरपोर्ट लगता है ना कमलापति स्टेशन जैसा बनाया है उसको। 3-4 साल पहले की उसकी हालत मैंने देखी थी जब मैं आया था भोपाल, तो बहुत कंडीशन खराब थी ना, कंडीशन खराब थी। अभी एकदम एकदम फर्स्ट क्लास है, बढ़िया एकदम। सर शिवम तोमर। कहाँ के रहने वाले? शिवनगर सर। शिवनगर के? अरे बात करिए खुल के यार, क्या हो गया, डर क्यों रहे हैं इतना? अच्छा बना दिया वोटर कार्ड? नहीं सर अभी मेरा नहीं बना है वैसे। उम्र हो गई 18? अभी नहीं, 18+9। पहले वोटर कार्ड बना लो, चुनाव आ रहा है, हर एक को जो है वोट देना चाहिए। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आनी चाहिए? सर मोदी है, यहाँ तक मोदी जी और मामा जी ने। वैसे हम लोग अभी बच्चों के लिए तो कुछ नहीं करा, बाकी सब लोग के लिए किया है। अच्छा सीखो कमाओ योजना बड़े लोगों के लिए। सीखो कमाओ योजना, हाँ, वो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो। अभी कौन सी क्लास में? सर मैं अभी 12th। 12th में अभी? हाँ वो थोड़ा जब आप आएंगे ग्रेजुएशन के समय में। सर नाइट नटराजन्स। अच्छा ग्रुप है हम लोग का पूरा। अच्छा अच्छा लग रहा है आपको कि मामा जी आ जाएंगे फिर से एक बार। सर आपका क्या नाम है? हाँ जॉय वाधवानी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? भोपाल से हूँ मैं। भोपाल के ही रहने वाले हैं। ग्रुप के हैं आप? ये देख रहा हूँ ये संस्था है एक्चुअली हमारी नटराजन सोसाइटी करके एक संस्था है, एक आर्ट्स एंड कल्चर की संस्था है। आर्ट्स एंड कल्चर की? हाँ जी। क्या लग रहा है सर इस बार क्या होगा इस चुनाव में, और आप इनके मतलब ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी ये बच्चे सब कला संस्कृति की चीज़ें सीखते हैं वहाँ पे, डांस एक्टिंग ये सब चीज़। क्या लग रहा है सर इस बार चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? सर जो चुनावी माहौल है वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार पहले थी वही आएगी ऐसा उम्मीद ज़्यादातर है, लेकिन काम अच्छे होंगे तो उनके चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन है, मतलब एक तरह से लोगों की जो उम्मीद जितनी ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशन थी, उससे ऐसा लगता है कि उतना काम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत जो है सरकार को करनी पड़ेगी। और ज़्यादा अच्छा करा है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन और अच्छा काम करना पड़ेगा, और अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा एक राय ये भी जानना चाह रहा हूँ, आप जैसे शिक्षक हैं, सिखाते हैं सबको, और जो आपने आर्ट्स एंड कल्चर की बात की, पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो पहले युवाओं में एक यानी कि एक मतलब गायब थी ये चीज़, अभी सरकार इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। G20 का सम्मेलन हुआ, हमने देखा हमारा कल्चर दिखाया जा रहा है, हर एक जगह की संस्कृति जो इतनी वास्ट हमारी जो है यहाँ पर कल्चर है उसको दिखाया जा रहा है, और विदेशी मेहमान आकर के थिरक रहे हैं और इस प्रकार से हमारे कल्चर को देख रहे हैं। इसको क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सर मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हमारा जो कल्चर था कहीं ना कहीं वो लुप्त होता जा रहा था। बिल वेस्टर्न इतना ज़्यादा बच्चों में स्पेशली मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत काम कर रहा हूँ, 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो वेस्टर्नाइज बहुत ज़्यादा बच्चों में आ गया है। G20 के माध्यम से 20-21 कंट्रीज़ जो है उन्होंने हमारा ट्रेडिशन देखा, हमारा कल्चर देखा, हमारे देश में आए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, और आगे भी ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए ताकि इंडियन कल्चर जो है वो वर्ल्ड फेमस हो, उन लोगों को पता चले। और
उस समय वो कुछ विजुअल्स देखे आपने जब जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से लोग आए थे, आईएमएफ के जो सीनियर एकदम इंटरनेशनल लेवल के जो यहाँ पर डेलीगेट्स आए थे, वो आकर के हमारे कल्चर का जब वहाँ पर डांस प्रस्तुत किया जा रहा, थिरक रहे हैं उस पर, नाच रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा और मतलब सुहाना पल मैं कहूँगा। क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक इंडिया जो है, मैंने इंडिया विदेशों को फॉलो करता था, हम उनके कल्चर को फॉलो करते थे, आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि दुनिया इंडिया के बहुत सारे कल्चर को, बहुत संस्कृति को अपना रही है, हमारे गानों पे थिरक रही है। और अभी सम्मेलन में तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला। दिग्विजय से कहाँ के रहने वाले? यूपी। दिग्विजय जी यूपी के रहने वाले? जी जी। यहाँ पे चुनावी माहौल शुरू हो गया। जी जी। एक समय यहाँ भी दिग्विजय सिंह, दूसरे दिग्विजय सिंह, हाँ, मुख्यमंत्री रहे। जी जी। क्या लग रहा है, कुछ माहौल समझ आ रहा है? माहौल भाजपा का है। भाजपा का? जी जी। क्योंकि महिला जो आरक्षण बिल लेकर आ रही है भाजपा, वो महिला के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। 30% जी जी। अच्छा, सोनिया गांधी आज बैठी और सोनिया गांधी ने तो कहा कि ये तो राजीव गांधी जी, उनके जो जीवन साथी थे, उनका सपना था, फिर कांग्रेस कह रही है हमारा सपना था, हम इसको लेके आए थे, हमारी सोच थी इसके पीछे। सिर्फ सिर्फ नहीं नहीं सिर्फ सोच था ना, स्वीकार तो जो किया वो भाजपा ने किया ना, प्रयास जो कर रही है भाजपा, 360 जो हटाया भाजपा ने, हटाया 370, उसके बाद जो 3 तलाक का मामला हुआ वो भाजपा ने किया। तो बस जो कांग्रेस जो है वो कहती है और भाजपा करती है, करके दिखाती है। लगातार उन पर क्रेडिट का आरोप लग रहा है कि काम बीजेपी कर रही है और क्रेडिट के लिए आ जाते हैं कि ये तो नेहरू जी ने किया, ये राजीव जी ने किया, ये उन्होंने किया। उनके इतिहास में खोल के देखिए, कोयला घोटाले से लेके सारा घोटाला तो पड़ा हुआ है उनका, और देश के लिए कर क्या रहे हैं, बस कर कोई और रहा है और लेने के लिए कोई और आ जा रहा है। नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। कहाँ के रहने वाले? आगरा। अच्छा, आगरा से यहाँ से घूमने आए? यस। अच्छा, घूमने आया है। अच्छा, फिर यहाँ से का तो पूछ नहीं सकते आपको, 24 का क्या लग रहा सर आप? नरेंद्र मोदी जी आए। क्या नाम है आप? अनीता शर्मा। आप? अच्छा, उनके साथ? हाँ जी। अच्छा, घूमने आए हैं? घूमने आए हैं बेटा, मैनिट में है। अच्छा, कैसा लग रहा है भोपाल? बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो। अच्छा, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में एक MOU साइन हुआ था कि मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देगी। अभी टूरिस्ट स्पॉट पर आप हैं, कैसा लग रहा है आपको भोपाल? पहले से तो और ज़्यादा बेटर हो गया है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई हैं जब से शिवराज सिंह इन्होंने संभाला है, हमारे CM ने, तब से बहुत बढ़िया हो गया है। बहुत बढ़िया हो गया? हाँ जी। माहौल कुछ नज़र आ रहा है यहाँ चुनाव आने वाला कुछ दिन? नहीं, ऐसा तो अभी तो थोड़ी देर हुई है आए हुए, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। इंदौर तो लगातार नंबर एक पर आ रहा है पिछले कई सालों से स्वच्छता से। हाँ, इंदौर भी है, नो डाउट। हम लोग आगरा से बिलोंग करते हैं तो अब आगरा भी हमारा काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और इसी पैटर्न पर चल रहा है। वो इसी पैटर्न पर चल रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ बेटे आपके यहीं पढ़ते हैं तो क्या लग रहा है उनके लिए, क्या सरकार होनी, किसकी सरकार होनी चाहिए? वो बेटे से पूछो। अच्छा, 24 का बता दिए, 24 में सेंटर में किसको? मोदी जी। मोदी जी। क्या नाम है आप? अमन नाम है मेरा। कब से पढ़ रहे हो अमन? मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे। मास्टर्स कर। देखिए, जो आज का छात्र है वही आज का नागरिक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट से क्यों पूछना स्टूडेंट, लेकिन छात्र ही तो आज के जो भी युग चल रहा है तो उसमें छात्र की भी अहम भूमिका है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार? प्रोबेबली अपनी शिवराज सिंह चौहान सर की ही सरकार आएगी प्रोबेबली। MACT में अभी एक थोड़े दिन पहले ISF का फंक्शन भी हुआ था, तो एजुकेशन बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड जो फंडिंग वाली चीज़ आती है जो सेंटर की तरफ से एड्स वगैरह मिलते हैं वो भी प्रॉपर आ रहे हैं MACT में। यहाँ पर भी शिक्षा बजट यानी कि अच्छा चल रहा है, मतलब वो सारी चाहिए, जैसे हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हम लोगों को स्कोपस चाहिए रहता है, तो वो प्रॉपर मैनेट में प्रोवाइडेड है और सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश से आप मध्य प्रदेश में आगे पढ़ रहे हो और आपको सही लग रहा है माहौल पूरा, और दोबारा से फिर से चाह रहे हैं कि यही आए? हाँ, एक्चुअली मेरा तो काउंसलिंग के थ्रू हुआ था, NIT लेना था मेरे को। अच्छा। तो NIT ये वाला मिला मुझे। अच्छा। तो एंड यहाँ पे आके देखा तो इट्स लाइक कैपिटल सिटी है भोपाल, एंड लखनऊ अपनी कैपिटल सिटी है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, बट हाँ भोपाल इज अ वेरी, मतलब सही है आपको, मतलब जल्दी से ऑप्ट कर लिया? हाँ जी, बहुत जल्दी ऑप्ट कर। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? सिंगरौली। क्या लग रहा है सर इस बार, क्या माहौल नजर आ रहा है यहाँ चुनाव का? अब चुनाव का माहौल दोनों बराबर है। अच्छा, अभी कुछ कह नहीं सकते? नहीं कर सकते हैं। मैम आपका क्या नाम है? देवकी सिंह। अच्छा, आप भी साथ में? हाँ, हस्बैंड वाइफ हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? लग रहा बराबर ही है। बराबर ही है।
फिर भी कोई एक लग रहा होगा ना अपने हिसाब से, यहाँ बराबर है, फिर भी थोड़ा एक कोई अपर आ जाए, ये आ जाए तो ठीक रहेगा। अब शिवराज सिंह है तो वही है, दिख तो वही रहा है। मामा जी, मामा जी एक बार मामा जी, हाँ लग वही रहा है, बहन लोग के लिए कर रहा है तो शायद वही हो, बहन लोग के लिए कर रहे हैं तो फिर से एक बार चाह रहे हैं कि वही आ जाए। वही आ जाए वाली बात नहीं है, आएंगे वही दिख रहा है, आएंगे वही है, चेहरा वही है, चेहरा वही है। अच्छा, कांग्रेस तो थोड़ा कमलनाथ जी की तरफ ध्यान दे रही है, उनका क्या लग रहा है? देखिए इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले का चुनाव आप देखे थे, अब इस बार क्या इन लोगों के मूड में है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट फिर भी आपको लग रहा है कि मामा जी थोड़ा सा, मामा जी हाँ थोड़ा है, लेकिन और भी लोग से। जी आपका क्या नाम है? मैं इनकी बेटी हूँ, निधि सिंह। आप अलग वोट देंगे, वो अलग वोट देंगे? तो आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? बीजेपी। क्या कारण है, क्यों बीजेपी? ही इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वो लाडली बहना योजना भी आल्सो आई एम इन बैंक, आई नो दैट कि वो डीबीटी वगैरह करने के लिए काफ़ी आते हैं, तो दे वर वेरी मतलब हैव एन अ बिलीफ इन शिवराज सिंह चौहान दैट की इज डूइंग वेरी वेल फॉर दैट वुमेंस की, मतलब वो कुछ आगे इंडिपेंडेंट हो, एंड ऑब्वियसली आई एम अ वुमन ऑल्सो, तो सेल्फ इंडिपेंडेंसी तो ऑब्वियसली मैटर करती है। अभी तो महिलाओं का वैसे ही आज 7 घंटे चर्चा हुई है लोकसभा में, 33% अब रिजर्वेशन दिया जा रहा है। करेक्ट करेक्ट, पहले राजू गांधी के भी इसमें था, जी नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया इतने साल। एग्जैक्टली, बट इट्स ओके, दैट्स बीजेपी इज ऑलवेज बी बेस्ट, स्पष्ट कर ही दिए। हाँ जी जी, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि पास हो जाएगा क्योंकि सभी का समर्थन मिल रहा है। आइए और भी लोगों से जो है राय जानेंगे उनकी चुनाव को लेकर के, क्यों आए हैं घूमने के लिए, बहुत दिनों बाद जो है आज बोट क्लब खुला है। सर क्या नाम है आपका? 1 मिनट टाइम देंगे, खाइए आप, साथ में खाते रहिए ना, बात भी करते रहिए, खाते रहिए। जी हमें कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यहाँ पे रह रहे हैं लंबे समय से या घूमने आए? नहीं मैं तो घूमने आया हूँ। अच्छा घूमने आए, कैसा लग रहा है सर भोपाल? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। चुनावी माहौल कुछ देख रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा है यहाँ कि आपको क्या समझ में है किसकी सरकार है? देखिए मेरे यहाँ तो यूपी में आएंगे योगी, अब यहाँ का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा 24 का बता दीजिए। 24 का अभी योगी ही आएंगे मेरे यहाँ तो यूपी में? नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री यूपी में तो हो गया। मोदी रहेंगे? मोदी रहेंगे, मोदी ही रहेंगे। क्या कारण है, क्यों मोदी रहेंगे? मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर से रिपीट रिपीट रिपीट, सामने जो विपक्षी गठबंधन बना, जो युवा जो टीम है ना, मोदी को रिपीट करेगी, मोदी जी को बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो लगातार अपनी राय रख रहे हैं चुनाव को लेकर के, और आइए इस बीच और भी लोग जो हैं उनसे भी उनकी राय जानेंगे चुनाव को लेकर के, वो क्या कहना चाहते हैं। आप भी मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं? यूपी से हैं। अच्छा क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री के पास? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको मोदी? हमारे फेवरेट हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? एमडी दिलनवाज। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के? घूमने आए हैं या यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। कितने साल हो गए यहाँ रहते? एक साल। एक साल हो गया, कुल्फी खाते रहिए साथ में, नहीं तो पिघल जाएगी। अच्छा क्या लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार आ रही है, क्या कहते हैं चुनाव को लेकर? सर क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी कहाँ के रहने वाले? भोसाल के। अच्छा सर आपने दोनों सरकारें देखी हैं, फिर से चुनावी माहौल शुरू हो गया, तुलना अगर की जाए तो दोनों में आपको कौन सी सरकार ठीक लगती है, और अभी आने वाले समय में कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी आपको सही लगती है, क्यों, क्या कारण है सर? बहुत सारे काम किए उन्होंने। बहुत सारे काम किए, जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको? अयोध्या मंदिर का मुद्दा हुआ, और धाराएं अपना कश्मीर का मुद्दा 370। हाँ मैम आपका क्या नाम है? संध्या। आप किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार। फिर से मामा जी एक बार, क्या कारण है, क्यों फिर से मामा जी? वही उनके काम अच्छे हैं, खूब काम किए हैं। अच्छे काम किए। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं यहाँ पर चुनाव से रिलेटेड। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ के रहने वाले सूरज? मैं तो लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ, यहाँ घूमने आए हैं या? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कितना समय हो गया? अभी मुझे 1 महीना हुआ है। अभी 1 महीना हुआ है, कुछ माहौल समझ आ रहा है यहाँ चुनाव को लेकर? यहाँ पर तो बीजेपी का ही माहौल सुना है। बीजेपी का माहौल, मतलब कि मोस्टली जितने भी लोग कहते हैं कि यहाँ बीजेपी आएगा। अच्छा कुछ वो डिस्कस भी होता होगा, कुछ बात भी होती होगी क्योंकि चुनावी माहौल आ रहा है। पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम, बट बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हाँ यहाँ पर हो सकता है बीजेपी रिपीट करे फिर से, क्योंकि पावरफुल कोई चेहरा है नहीं, दैट्स व्हाई। कमलनाथ जी जो थे यहाँ पहले कांग्रेस से, उनकी तो एज हो चुकी है काफ़ी, और जो इनके में जो कांग्रेस में जो था पहले सिंधिया साहब थे, वो तो
है नहीं, तो भी सेंट्रल मिनिस्टर है सिविल एविएशन, वो वही है, इसीलिए तो उनको तो भाजपा ने उनको वही पोस्ट दी ना जो उनको चाहिए थी, दैट्स व्हाई यहां पर भी सो बीजेपी का ये तक है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, अभी एक पर्यटन स्थल पर हम मौजूद हैं और कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप आते हो, और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देगी और मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देगी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके से जो है एक दूसरे का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसको कैसे देखता है? क्या है ना, ये आसपास दोनों एक तो दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल पड़ोसी राज्य है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर यहाँ पर सांची स्तूप के लिए आता है देखने के लिए, सो वो सोचता है कि मैं झांसी में भी जाऊँ रानी लिखा किला देख, ग्वालियर झांसी तो बिल्कुल कनेक्ट है और ग्वालियर बीच किला जाएगा तो कनेक्टेड है, सो दैट्स वाई इन्होंने ये किया। दोनों की सरकारें भी सेम है, सेम ही मोटिव है दोनों का कि हाँ हम टूरिज्म को बढ़ावा दें थोड़ा सा, ताकि तो रेवेन्यू कलेक्शन हो अच्छा सा और देश विदेश में भी यूपी और एमपी का नाम हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे हम लोग बाहर ऊपर जाते हैं उत्तराखंड घूमने उमने जाते हैं तो वो भी एक पर्यटन स्थल थे, उसी तरह इन्होंने भी इसको एक एक तरह का दिया हुआ है ताकि छोटे लोगों को भी रोजगार मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये सब पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। देखिए अलग अलग राज्यों के भी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं जो यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, और भी लोगों का लगातार आना जो है यहाँ पर हो रहा है, उन लोगों से भी जो है राय जानेंगी चुनाव को लेकर के वो क्या कहते हैं। और सर एक सेकेंड जी, क्या नाम है सर आपका? संजय चौहान। कहाँ के रहने वाले संजय? गुजरात। गुजरात, यहाँ अभी मध्य प्रदेश ही रह रहे हैं? नहीं नहीं, गुजरात में ही रहते हैं, घूमने के लिए आए। घूमने के लिए। सर क्या माहौल समझ में आ रहा है यहाँ पे चुनाव का आपको? अरे यार, यहाँ का माहौल तो मुझे थोड़ी समझ में, मैं गुजरात से हूँ तो यहाँ। नहीं नहीं नहीं, अभी कितने दिन से आप? आज ही आए। अच्छा, आज ही आए, फिर तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, फिर 24 का क्या लग रहा है आपको? 24 में तो आप भी वोट डालेंगे केंद्र चुनाव में। अरे डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। 24 का क्या समझ में? 24 का तो बस यही दिख रहा है कि जो जैसा था वैसे ही चलेगा। अभी गुजरात से हैं इसलिए या कुछ और भी कारण? नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे ही चलेगा, वैसे ही चलेगा, क्योंकि सबको अलग अलग जगह पे घूम के आना चाहिए, फिर पता चलना चाहिए कि सच में बदला है कि वैसे की वैसा है। बस घूमो, अच्छे से पूरा इंडिया घूम लो, पता चल जाएगा अपने।